दोस्तों आज मेरा बनाया हुआ सब्जी खुद देखिए इस तरह से बन के तैयार है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे। चारों बेटी ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों अभी शाम का 4:30 बज रहा है, अभी से हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है कल हमने कहीं गए थे तो पता नहीं बाइक वगैरह से गए, इसका हवा लग गया मुझे या क्या कुछ हुआ। रात को काफ़ी ज़ोरों से मुझे बुखार लग गया था और आज दिन में भी दवा वगैरह खा के सोए तो एक बार दिन में भी पूरा पसीना उसीना छूटा। उसके बाद में अभी शाम हो चुका था, हमने सोचा कि चलिए थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं और आप सभी के साथ सारे बातें शेयर करते हैं। तभी तो शाम हो चुकी है, तभी भी पूरा गरम गरम टाइप से शरीर लग रहा है और काफ़ी पूरे दिन आज हम सोए रहे हैं। ज़्यादा आज काम वगैरह कुछ नहीं किए, मॉर्निंग से कुछ नहीं, बस बैल वगैरह का खुटाई किए, उसके बाद कुछ काम ही नहीं किए। और आप सब ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि आपका आवाज़ कम आता है, तो जो हमने ये मोबाइल खरीदे ना मोटो का है, इसमें ना ईयर जैक जो होता है ना, मतलब यहाँ पे ईयरफोन लगाने वाला वो जैक इस पर नहीं है तो वो भी नहीं लगाए और वायरलेस माइक तो हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। जितनी भी आवाज़ आती है तो उतने ही में काम चलाना पड़ेगा आप सभी को फिलहाल। तो और अभी वायरलेस माइक मंगाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाएगा और फैमिली वाला है, हर एक तरह देख के चलना पड़ता है। पता है अभी सभी को कि अभी मेरे घर में चारों की मम्मी को भी क्या दांत बोलते हैं, कमेंट काफ़ी लोग ने किए कि अकल दांत या क्या दांत बोलते हैं, वो भी आ गया है। इनका भी कुछ सोच समझ के करवाना है। चारों का भी सर सर्दी पकड़ते ही रहता है, दवा कल ही खरीदाया, मम्मी का भी, और मम्मी का जो दवा खरीदाया आज हमने उसी को खा के बुखार वाला था तो सोए थे। तो चलिए अभी फिलहाल सोना जी आज वैसा था, फिर भी गए थे मक्का कोड़ाई करने भैया भाभी के साथ में उधर वाला बारी में, तो ये तो पूरे थके हुए हैं और अभी फिर भी बैल लाने जाना है, तो ये बैल वगैरह लाएंगे, उसके बाद में इनको कुछ काम नहीं करने देंगे। खाना वगैरह हम और मम्मी मिलके बनाएंगे और बनाएंगे सारे परिवार शाम खाएंगे। तो क्या क्या हमने बनाएंगे आज मैं खुद बनाऊंगा, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा और देखिएगा पूरा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें पहले ही इसलिए बोल लेता हूँ ताकि आप सभी को पता चले कि क्या करेंगे। और ऐसे अभी सोना जी सोए हुए हैं, अभी जस्ट आए हैं काम करके उधर से, क्योंकि एक में है ना भैया भाभी लोग चले जाते हैं और हम लोग ना जाएं तो ठीक बात नहीं, तो इसीलिए सोना जी सोचे कि सिर्फ हम जाते हैं, हम तो सोए रहे दिन भर, तो ये चले गए थे, अभी आके मोबाइल देख रहे हैं और अभी सोए हुए हैं। तो नहाना वगैरह होगा तो ये करेंगे, बाकी बात अभी बैल भी लाना होगा, 5 बज चुका है अब, तो ये फिलहाल हम लोग बैल भी लाने जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बनता है आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों अभी 5:30 बज गया है और हमने सोचे कि बैल लाने से पहले कुछ अपना जुगाड़ लगा रखते हैं, तो यहाँ पे आग जला दिए हैं और आग जलाने के बाद में यहाँ पे आलू वगैरह ले लेते हैं और थोड़े से मेरे ये काबली चने हैं तो फुलाएं इसको, तो सोचे कि पूरा तरह तो फूलेगा नहीं क्योंकि मैं अभी अभी जस्ट उठ के फुलाया था ना, तो चलिए इसको उबालते हैं। तब यहाँ पे हमने पानी डालते हैं, आज हम बना रहे हैं क्योंकि बुखार लगा है ना तो कुछ अच्छा ही खाने का मन करता है, तो इस तरह से पानी डाल देंगे और इस चने को भी यहीं पर डाल देंगे ताकि ये साथ में ही अच्छे से उबल जाएगा, और अच्छे से उबल जाएगा तो फिर पकाने टाइम अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको उबाल देते हैं और उसके बाद हम अभी हमने चले जाएंगे बैल लाने, क्योंकि उधर साइड में जंगल साइड में है बैल, तो वहाँ लाने जाएंगे बैल, तब तक आने तक ये उबलेगा भी, इसे सोचे कि यहाँ पे इसको उबाल रखते हैं उसके बाद में ही जाएंगे। तो चलिए अभी ढक्कन वगैरह ढक देते हैं, अभी नमक वगैरह नहीं लगाएंगे, सिर्फ ढक देते हैं और आग को अच्छे से ले कर रखते हैं ताकि ये उबलते रहे उधर साने तक। सोना जी अभी अभी जस्ट ही आए हैं, उतना दिक्कत होने के बावजूद भी दांत का भी ये थोड़ा थोड़ा दर्द दे रहा था, सुई वाला भी दर्द दे रहा था, फिर भी अभी भी जस्ट आए, मेरा फर्ज बनता है कि वो तो पर डे खाना बनाती है सुबह शाम सब दिन, तो एक दिन भी तो हम कम से कम मेहनत कर सकते हैं और बना सकते हैं, तो आज मुझे खुद से बनाने की इच्छा किया और बना के चलिए आज हम ही खिलाएंगे सारे लोगों को। तभी उबालने के लिए छोड़ दिए चढ़ा के, बाकी बात चलिए लेके आते हैं बैल। अभी दोस्तों अभी बैल लाने गए थे और बैल लेके आ चुके हैं, तो बैल लेके आते आते हमारा चना और आलू कितना उबला चलिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं। तो ऐसे तो चेक नहीं करने पाएंगे, एक चक्कू लेते हैं, चक्कू की मदद से चेक करेंगे। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि चाकू ये चौक है इसलिए यहाँ पे चला गया, ये हो चुका होगा मेरा अंदाज भी है। तो फाइनली हमने यहाँ पे देखिए ये बर्तन का लेप भी लगा लिया है और अब यहाँ पे अदहन चढ़ा देंगे, तब तक आलू वगैरह छोलेंगे
और इसका जितना भी सारे कुछ तैयार करेंगे। अभी आप सबको पता है कि सावन कर रहे हैं हम और इस महीना पूजा वगैरह करेंगे, तो कुछ कुछ तो खाने नहीं बनता है, बस जितना से बनेगा बनाएंगे। तो फिलहाल चलिए इसको उतारते हैं। आलू को उतार कर रख दिए हैं, अब चलिए अदहन चढ़ा देते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, खाना बन जाएगा जल्दी और सारे लोग आराम भी जल्दी करेंगे। सारे लोग अपना अपना काम कर करके आजकल के दिन में थक ही जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे चढ़ा दिए, अभी इसको ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से सुरक्षित अपना बनते रहे। तब तक इसको हम चोखा छीलेंगे, सारे कुछ तैयार करेंगे। तो दोस्तों अदहन बैठाएं, उसके बाद में अभी आलू वगैरह को छोल लिए हैं और चावल भी धो रहे हैं। आज दूसरा चावल बना रहे हैं कच्चा चावल को, हमको खाने का मन कर रहा है ना, तबीयत खराब है, इस वजह सोच रहे हैं कि हम अपने से बनाएं जो भी। और चारों यहाँ पे गिट्टी खेल रही है। हाँ, तुम पहले नाक साफ करो तो। हाँ गिट्टी जाओ, भुला गया। और चारों की मम्मी अभी नहा ली है, तो चलिए अभी हम बनाते हैं। चावल को धो कर रखते हैं, इस चावल को पहले ही धो कर रखना होता है ना अदहन आने से पहले, और काफ़ी तेज उबाल आता है तो ही डालती है चारों की मम्मी, तो उबाल तो आने वाला है। तो चलिए हमने चावल को धो लेते हैं। यहाँ पे चावल है, सारे को फटके अपने से ही हम इस तरह से डालेंगे। तो चलिए सारे को अच्छे से धो लेते हैं, है ना, क्योंकि कॉपी तो कर ही सकते हैं चारों मम्मी का, लेकिन उनके जैसा नहीं बना सकते क्योंकि उन लोग का डेली डेली आदत होता है। तो फाइनली चलिए दोस्तों चावल को धो लेते हैं, कच्चा चावल इसको धो के रखना ही पड़ता है। तो दोस्तों अभी चावल डाल दिए हैं और इन वर्ष लग रहा है कि बरसात आया, लेकिन एक भी गर्मी कम नहीं हुआ है, लग रहा है कि गर्मी का ही मौसम है। ठीक, एकदम काफ़ी ज़ोरों से, थोड़ा सा भी धूप उगता है काफ़ी ज़ोर से गर्मी लगता है। अभी भी मेरा गर्मी गर्मी लग रहा है, तो पंखा वगैरह हम बाहर निकाल दिए हैं और चारों पूरा हवा ले रही है सामने से एकदम। और अभी चावल डाल दिए, उबाल आ रहा है। अरवा चावल को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उबालना होता है, नहीं तो गिल्ला हो जाएगा। तो पूरे जोड़ों से उबल रहा है इस तरह से, थोड़ी देर में जस्ट ही बना देंगे, लगभग और 15-20 मिनट में हमारा खाना बनके तैयार हो जाएगा। तो बनाते हैं, अभी तो आलू वगैरह छोले हैं, अब चलते हैं। ज़्यादा कुछ तो डालना नहीं होगा, जो जो भी डालने बनेगा चारों को पूछते हैं, हम खुद ही हमको उतना इन लोग का आइडिया डेली डेली होता है ना। तो चलिए चावल मेरा डबक रहा है, तब तक सारे तैयारी करते हैं। और चारों रे वहाँ पे नहीं रे, सट सट के नहीं, लाइन भी कट गया, ये दूसरा बल्ब है, लाइन कटने के बाद भी जलता है इसलिए लाइन भी कट चुका है। अब ये लोग अब हवा कैसे लेगी रे, बाल घुमा घुमा के हवा ले रही है बा। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ये वाला कढ़ाई जो है ना काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। यहाँ पे तेल डालते हैं, सरसों का तेल डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिए, थोड़ी गर्म होते रहेगा, ऐसे खाली था ना तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था जल्दी जल्दी, और काफ़ी अच्छा काफ़ी प्यारा इस किचन में मुझे खाना बनाने के लिए लग रहा है। थोड़ी तो गर्मी लगेगा ही क्योंकि आग से बना रहे हैं, तो सामने पूरा आता है, पूरा इस जगह गैस भी बना देता है, तो लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जाड़ के दिन में काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन चलिए फाइनली ये हमारा हो चुका है, और हमने यहाँ पर काबली चना को उबाले हैं ना, तो ये देखिए उबल चुका है, लगभग थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ है, तो एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको अभी सब्जी बनाने टाइम करेंगे। हमारे पास ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, तभी तो फिलहाल हम लोग कुछ यूज नहीं करते हैं ज़्यादा, तो हरा मिर्च का फ़ौरन बस डालेंगे यहाँ पे इस तरह से। प्याज वगैरह लहसुन तो खाना नहीं है, आप सबको उस दिन ही बताए थे सावन में इसी तरह से किया जाता है पूजा, एक महीना पूरा, और आज हो गया 8 दिन हो गया इस महीना का, तो सोमवार था और आज भी सोमवार था। तो मॉर्निंग में हम जैसे तैसे नहा धो के बस जल ढारे, और आप सबको ब्लॉग में नहीं दिखाएं, तो फिलहाल अभी ये डाल दिए हैं, अब चलिए इसको डालते हैं। हमारे पास कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं है बनाने के लिए, इस तरह से जैसे भी बनाने आए हैं ब्लॉग, मेरा ब्लॉग बना रहे हैं। तो चलिए अभी बनाते हैं, अभी यहाँ पे नमक डालेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद में नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डाल देते हैं ना तो यहाँ का जो भी पानी होता है वो नमक को या तेल को भी ये पूरे यहाँ चिपकाने लगता है, तो नहीं डालेंगे अभी काफ़ी लग रहा है मुझे भी। और अब अगले हफ्ता हम लोग टमाटर वगैरह नहीं लाएँ, क्योंकि 60-70 रुपये टमाटर इतना महंगा, खाने से तो अच्छा ऐसे ही सब्जी खा जाऊँ, वही सही रहेगा। तो बस सिंपल सी मसाला वगैरह ऐड करेंगे, डबकाएँगे इसको, सब्जी बन जाएगा, इतना अच्छा सब्जी काफ़ी अच्छा से बनना चाहिए,
लेकिन चलिए कोई नहीं, बस एक महीना की बात है, जैसे तैसे चलेगा ही। तभी इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई भी होने देते हैं हल्का आग में, धीमे धीमे आग लगेगा ना तो काफ़ी अच्छे से फ्राई होगा। अभी तक हमने नमक नहीं डाले यहाँ पे, तभी हम सबसे पहले जीरा गोल की जो गुड़ा हुआ था ना उसको डाल ले रहे हैं क्योंकि हल्का तीता लगेगा, उसके बाद में ही नमक डालेंगे। चलिए सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा है ये धनिया पाउडर, तो चलिए कुछ चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे है मेरा ये मिक्स मसाला, इसको भी डाल लेते हैं कुछ चम्मच इस तरह से। और ये रहा मेरा हल्दी, ये खोल लिए हैं अभी वहाँ से जहाँ पे सेट रहता है ना वहाँ से खोल लिए हैं। और चारुक मम्मी से पहचाने, सिर्फ हम हल्दी को पहचाने सकते बाकी को नहीं सकते, इसलिए से चलिए डाल लेते हैं सभी को और अच्छे से भूनेंगे। और इसको अच्छे तरह से भूनते हैं, देख रहे हैं अभी भी थोड़ा तेल इसमें हम ज़्यादा डाले हैं इसलिए इस तरह से, ज़्यादा कोई खास तो बनेगा नहीं क्योंकि सारे मसाले अच्छे से पीस के डाला था तो उसका बात ही अलग था। तो चलिए इसको अच्छे से होने देते हैं। अब चलिए नमक डाल लेते हैं यहाँ पे अंदाज अनुसार, तो इतना में मेरा लगभग हो जाएगा। तब सारे को अच्छे से भूनते हैं, चिटक रहा है पूरा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसमें पानी डालते हैं, इसको अच्छे से उबालेंगे क्योंकि कुछ चने सीझे हैं कुछ नहीं सीझे हैं, तो पानी कुछ ज़्यादा ही डालते हैं। इसको अच्छे से चला के और ढक्कन ढक देंगे। तीन लोग को छुट्टी दे दिए थे कि जब मिठाई ला के खाना, तीन लोग मिठाई खा रहे, एक बिस्किट तो मुझे मिला, मिक्सचर वगैरह खा रहे हैं। हाँ हाँ, फायदा हो गया इन लोगों का, तो हम तो पसीना पसीना हो चुके हैं। सोचिए एक दिन जब हम बना रहे हैं किस टाइप से, चारों मम्मी लोग डेली, यानी कि दुनिया का हर लेडी लोग ही डेली बनाते हैं, तो सोचना चाहिए। कभी कभी अच्छा ना बनने पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस टाइप से भी करने लगते हैं, वैसा करना भी नहीं चाहिए। तो चलिए अभी ये उबलेगा, अच्छे से उबलने देते हैं और सारे मसाले डिबक हम चलिए इस तरह से कर लिए तो सेट करके रखते हैं। दोस्तों आज मेरा बनाया हुआ सब्जी खुद देखिए इस तरह से बन के तैयार है, और चावल तो हमने बनाए ही हैं। तो अभी तो खाना हम लोग नहीं खाएंगे, थोड़ी देर के बाद ही खाएंगे क्योंकि मुझे ब्लॉग अपलोड करना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी ब्लॉग को बनाए। तो चारुक मम्मी के साथ में खाना खाएंगे ना, वो ब्लॉग देखिएगा कैसा लगा, उन लोग ही टेस्ट करके बताएंगे मेरे सब्जी को। तो चावल भी मेरा बन चुका, सारी कुछ तैयारी हो चुका है। आई होप आज का ब्लॉग आप सभी काफ़ी पसंद लगा होगा। चलिए मिलेंगे कल के ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। काफ़ी ज़ोरों से गर्मी लग रहा है, लाइन वगैरह तो आया और सारे लोग सोच रहे कि इतना जल्दी कैसे बना दिए, क्योंकि हम खाना बनाते हैं तो काफ़ी जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।